एक सेंटेंस को पूरी ऑनेस्टी के साथ में इन द एंड पूरे 12 तक लेकर जाना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। उसके बाद मैं किसी को भी स्टेज पे बुलाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। देखो कैसे बोलना है, ध्यान दो। वह 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 यहां आता है, ही कम्स हियर। मुझे सुनना आप लोग, है ना, मुझे सुनना और इस तरीके से बोलना। वह यहां आता है, ही कम्स हियर। वह यहां आया, ही केम हियर। वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। वह यहां आ रहा है, ही इज कमिंग हियर। वह यहां आ रहा था, ही वॉज कमिंग हियर। वह यहां आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग हियर। वह यहां आ चुका है, वह यहां आ चुका था, और वह यहां आ चुका होगा, ही विल हैव कम हियर। वह यहां दो दिन से आ रहा है, He has been coming here for two days. एक बार ये समझ लो, ये क्या कॉन्सेप्ट है। Since का लगाना है, for का लगाना है। ये लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, किसके साथ? और ये लगाना है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, किसके साथ? अब ये दो चीजें क्या होती है, ध्यान देना। टाइम पीरियड का मतलब होता है जैसे सेकंड, सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट से बड़ा, आर से बड़ा, डे से बड़ा, वीक से बड़ा, मंथ से बड़ा, ईयर से बड़ा, डिकेड दशक 10 साल का होता है, और उससे बड़ा होता है सेंचुरी, शताब्दी 100 साल की एक होती है। तो फ्रॉम सेकंड टू सेंचुरी आपको क्या लगाना है? लेकिन जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे मैंने कहा 2 बजे से, 2 o'clock, संडे से, ठीक है, मंडे से, जनवरी से, ठीक है, या किसी दिन का नाम आ जाए, मंथ का नाम आ जाए, कोई एग्जैक्ट टाइम आ जाए, कोई ईयर आ जाए। जैसे मैंने कहा मैं खंडवा में 2005 से रह रहा हूं, तो ये सारे के सारे एग्जैक्टली मॉर्निंग ले लो आप, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, है ना, 2 o'clock, संडे, मंडे, ट्यूजडे, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, यू नो, ये सबके साथ आपको क्या लगाना है। अब मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला 2 दिन से, मैंने बोला क्या, 2 दिन से। तो इंग्लिश में आप जब इसे बनाओगे तो आप कहोगे फॉर 2 डेज, क्या कहोगे? लेकिन जब आप ये कहोगे कि सर मैं यहां पिछले संडे से आ रही हूं, या मैं यहां संडे से आ रहा हूं या आ रही हूं, तो आप क्या कहोगे? कुछ गया दिमाग में? Yes, है कि नहीं फंडा? तो मैंने कहा भाई मैं 2 दिन से यहां आ रहा हूं या आ रही हूं, आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज। और आपका क्या नाम है? देखो इधर ध्यान दो सभी, वैशाली 2 दिनों से सेंटेंसेस बना रही है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वैशाली हैज बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 डेज। आर यू गेटिंग? वैशाली 2 दिनों से सेंटेंसेस बना रही थी, वैशाली हैड बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 डेज। वो वैशाली 2 दिनों से सेंटेंसेस बना रही होंगी, अब मुझे बताओ क्या समझ में आया सभी को? कितनी मजेदार चीजें हैं, है कि नहीं? ओके, बेसिकली हम लोगों को क्या करना था वो देख लो। आपने एक सेंटेंस बनाया, वह स्कूल है, वह स्कूल गया या फिर जाता था, तीसरा जाएगा, चौथा जा रहा, पांचवा जा रहा। बहुत ही सरल, मतलब ऐसे पूरा हमको किसमें बोलना था? ये हिंदी में लिखे, इनको इंग्लिश में करना था हमें, है ना। वह स्कूल जाता है, अभी गोज टू स्कूल, इसलिए अगर मैं बोलता हूं कि वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, वो स्टेज पर आता है, ही कम्स ऑन द स्टेज, वो इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ऐसे ही वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, ऐसे ही वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे ही वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू
कुछ आ रही की बात समझ में? तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट है। ऐसे देखो आप इसको बनाओगे, नेक्स्ट जा रहा होगा, ठीक है। आप इसका इंग्लिश बनाओगे, आप क्या कहोगे? ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तो ये मैंने अभी 6 टेंस बनाया आपको, 3 किसके सिंपल के और 3 किसके ऐसे ही परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के आपको बनाने थे और उसको बोलना था प्रैक्टिकली। अगर आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते आ जाते हैं तो अगला कौन सा स्टेप होता है? फिर कौन सा होता है? इंटरोगेटिव। नेगेटिव की अच्छी बात क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको जहां पर आपको क्या लिखा है V1, वहां क्या लगाना है आपको? अब डू नॉट, डज नॉट, फिर वो आपकी कौन सी फॉर्म? मैं पढ़ाई नहीं करता, आई डू नॉट स्टडी, मैं वहां नहीं जाता, मैं यहां नहीं आता, मैं नहीं सुनता, वह नहीं सुनता, ही डज नॉट लिसन। क्या बोलोगे? ही डज नॉट लिसन, वह स्टेज पर नहीं आता, ही डज नॉट कम ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर नहीं आता, मैं स्टेज पर नहीं आया। डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वो आपकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मैं स्टेज पर नहीं आया, मैं स्टेज पर नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम ऑन द स्टेज, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा था, मैं वहां नहीं जा रहा था, I was not going there. मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, I will not be going there. मैं वहां जा चुका हूं, मैं वहां नहीं जा चुका हूं, I have not gone there. मैं वहां जा चुका था, मैं वहां नहीं जा चुका था, मैं वहां जा चुका हूं, मैं वहां नहीं जा चुका हूं, I will not have gone there. मैं वहां 2 दिनों से जा रहा हूं, I have been going there for 2 days. I have been going there for 2 days. और मैं वहां 2 दिनों से नहीं जा रहा हूं। कितना अच्छा है, मजा आता नहीं लाइक बोल रहे हैं, है ना? ओके, वो 2 दिनों से वहां जा रहा था, 4 2 days। देखो वह जा रहा था तो ही हैड बीन, मैं जा रहा था तो आई हैड बीन, वे जा रहे थे तो दे हैड बीन, यू गॉट इट? सबके साथ हैड बीन, है ना? और वे 2 दिनों से वहां नहीं जा रहे थे, दे हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। और वे 2 दिनों से वहां नहीं जा रहे होंगे, Going there for 2 days. आप करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या उठकर आगे आता है? डू डज उठकर आगे आता है। क्या आप बोलते हो? डू यू? क्या रवि बोलता है? डज रवि स्पीक? क्या रीना यहां आती है? डज रीना कम हियर? क्या आप स्टेज पर आते हो? डू यू? Does you की do you? पहले क्लियर करते हैं, does you की do you? Do you क्यों? क्योंकि you के साथ do लगता है। अगर मैं बोलता हूं क्या वह तो does he, क्या आप तो do you, क्या आप यहां आते हो, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई, Did you teach English? क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? Will you teach English? क्या आप यहां आओगे? क्या आप वहां जाओगे? क्या आप इंग्लिश सीखोगे? क्या आप इंग्लिश सीखोगे? Will you learn English? क्या आप यहां आओगे?
क्या आप यहां आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप वहां जा रहे हो? क्या आप सो रहे हो? क्या आप सोते हो? क्या आप दिन में सोते हो? Do you sleep in day? क्या आप रात में सोते हो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या आप घर के सारे काम करते हो? बोल 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 लास्ट तक गाड़ी को खींच के लाया, वो एंड एंड अटक गया. डू यू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क? डू यू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क? ठीक है. क्या आप स्टेज पर आते हो? क्या आप दूसरों की मदद करते हो? डू यू हेल्प अदर्स? क्या आप अपने फ्रेंड से झगड़ा करती हो? आ रही बात समझ में?